This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 28 साल के शख्स की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने करीब 17 बार चाकू से वार किया है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया का 3 दिन का विदेश दौरा पूरा कर स्वदेश लौट आए हैं। वह सुबह 7:30 बजे नई दिल्ली स्थित पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली में आज से बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थरका बालसूरिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी बारिश और खराब मौसम आफत बन गया है। एडीएम अभय कुमार पांडे ने जानकारी दी कि मौसम काफी खराब था, जिसकी वजह से जनपद में 6 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने बुधवार को नाटो सम्मेलन में गाजा को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही युद्ध विराम होना चाहिए। दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी पड़ी है, साथ ही हीट वेव ने भी दिल्ली वालों की परेशानी में इजाफा किया, जिसके बाद अब दिल्ली में कई जगह हल्की बारिश हुई। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि कल मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे को नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर बजट पर बात करते हुए मंत्री राजवर्धन राठौड़ ने कहा कि यह विकास का बजट है, गरीबों, युवाओं, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए यह बजट है। इसराइल ने गाजा सिटी में रह रहे फिलिस्तीनियों को वहां से साउथ की तरफ जाने का फरमान जारी किया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ऐतिहासिक यात्रा ने देशों के बीच दोस्ती बढ़ी। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया में संबोधन करते हुए कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। नेट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने कहा कि उसे दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं लगती है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। केंद्रीय बजट 2024-25 आने में बस 1 सप्ताह बाकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के सपोर्टिंग स्टाफ को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। उन्होंने बीसीसीआई के सामने एक विदेशी कोच को स्टाफ का हिस्सा बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की ओर से सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड मिला है। सीएम शिंदे ने ये पुरस्कार शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के हाथों प्राप्त किया है। मुंबई में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बीच में वर्षा थम गई थी, लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को 11 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है। भारतीय शेयर बाजार में कल दिखे जबरदस्त गिरावट के बाद आज तेजी लौटती दिखी है। एनएसई का निफ्टी ओपनिंग मिनटों में ही 24,000 का अहम स्तर पार कर चुका है और बीएसई में 80,170 तक की तेजी देखी गई। प्रभास की कल की 2898 एडी को दुनिया भर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने दुनिया भर से अब तक 900 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।